अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, कुरैशी हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ, जहां हम जिक्र करने वाले हैं ज़ेब्रा फिंच की कुछ मुख्तलिफ म्यूटेशंस का। इस वीडियो के अंदर ज़ेब्रा फिंच की म्यूटेशंस की पहचान और इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कुरैशी काम ही सिर्फ शौकीनों के लिए करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़ेब्रा फिंच एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा है। अपनी छोटे से बॉडी और खूबसूरत रंगों और आवाज़ की वजह से मशहूर ये परिंदा दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्रीड किया जाने वाला परिंदा भी है। सबसे पहले जिस म्यूटेशन का हम जिक्र करने वाले हैं, वो म्यूटेशन आपके सामने है और इसको कहा जाता है ब्लैक ब्रेस्टेड म्यूटेशन। ब्लैक ब्रेस्टेड इसको कहने की ये वजह है कि इसके ब्रेस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ज़ेब्रा लाइंस कम और डार्क ब्लैक पैच ज़्यादा है। इसकी दूसरी निशानी आप इसकी टेल मार्किंग से देख सकते हैं, जो कि इस मेल के अंदर आपको दिख रही है। इसकी टेल के ऊपर ज़ेब्रा मार्किंग नहीं, जबकि सीधी एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसके साथ साथ ज़ेब्रा फिंच की कॉमन म्यूटेशन के मेल्स के ऊपर जो टेल मार्क होता है, जिसको आमतौर पर हम आंसू कहते हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि इंतहाई कम हो जाता है। तो शौकीनों, आपके सामने मौजूद हैं ब्लैक फेस की म्यूटेशंस। ब्लैक फेस इसको इसलिए कहा जाता है, वो आप कॉमनली देख के पता लगा सकते हो। इसके बीक और चीक के बिटवीन जो एरिया होता है, जिसको हम अमूमन फिंच का फेस कहते हैं, वो आपको ब्लैक नज़र आएगा। इसी वजह से इस फिंच की म्यूटेशन को ब्लैक फेस म्यूटेशन कहा जाता है। नॉर्मली ये प्रॉपर कॉमन म्यूटेशन की तरह नज़र आती है, सिर्फ इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसका फेस ब्लैक होता है। कॉमन ज़ेब्रा फिंच के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसका फेस वाइट होता है। ब्लैक फेस के अंदर टेल मार्किंग ज़ेब्रा फिंच की तरह होती है, बट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब लाइंस होती हैं। ये ब्लैक ब्रेस्टेड से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक ब्रेस्टेड के अंदर उसका चेस्ट एरिया और ब्रेस्ट एरिया ब्लैक होता है, जबकि इसके अंदर वो नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच की तरह होता है, सिर्फ और सिर्फ फेशियल एरिया ब्लैक कलर का होता है। तो शौकीनों, अब मौजूद है आपके सामने एक और म्यूटेशन, एक थोड़ी हाई रैंक म्यूटेशन जिसको कहते हैं ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फेस का एरिया भी ब्लैक है और इसकी नेक का एरिया भी ब्लैक है, और थोड़ा और नीचे आए तो उसका चेस्ट और ब्रेस्ट का एरिया भी ब्लैक है। इसको कहा जाता है ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड। ये म्यूटेशन एक कम्बिनेशन से बनती है, जो कि ब्लैक ब्रेस्टेड और ब्लैक फेस का कम्बिनेशन होता है। अगर आप ब्लैक ब्रेस्टेड और ब्लैक फेस के पेयर्स को लगाएंगे आपस में और उनकी ब्रीड लेंगे, तो आपके पास ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड की म्यूटेशन के चेक्स आते हैं। यहाँ पर अगर हम टेल मार्किंग की बात करें, तो इस म्यूटेशन की टेल मार्किंग ब्लैक फेस से भी थोड़ी डिफरेंट होती है और ब्लैक ब्रेस्टेड से भी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो इस तरह क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस तो होती हैं, लेकिन वो बीच में से ब्रेक हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको डिस्टर्ब स्ट्रेट लाइंस भी कहा जाता है। ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड यानी कि BFBB एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट लाइन है। ब्लैक फेस की वजह से ये डोमिनेंट हो जाती है और इस तरह के पेयर्स को और इस तरह के बर्ड्स से आप हायर म्यूटेशन का भी काम ले सकते हैं। जिस तरह आप फुल ऑरेंज के लिए ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड को यूज़ करते हैं, और इसी तरह फुल ब्लैक जिसको हम BBB भी कहते हैं, जो ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड और ब्लैक फेस का कम्बिनेशन होती है, उसके लिए भी हम ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड को यूज़ करते हैं। तो शौकीनों, आज हमने जिक्र करा ज़ेब्रा फिंच की तीन म्यूटेशंस का। उन तीन म्यूटेशंस के अंदर सबसे पहली थी ब्लैक ब्रेस्टेड, उसके बाद हमने बात करी ब्लैक फेस की, और उसके बाद उन दोनों का कम्बिनेशन ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड, इसको BFBB भी कहते हैं। इन म्यूटेशंस की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दी, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी म्यूटेशंस का जिक्र करेंगे, जिसमें हम ऑरेंज लाइन की तरफ मूव करेंगे। आज हमने सिर्फ ब्लैक लाइन का जिक्र किया। तो शौकीनों, जुड़े रहिएगा कुरैशी के बर्ड के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें।